वार अगेंस्ट योर प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं के विरुद्ध एक जंग छेड़ दो। जो भी समस्याएं हैं उसके पीछे आपको जंग छेड़ देनी चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके नियंत्रण में है उसे करने सीखो, जो भी नियंत्रण में नहीं है उसे आप नहीं कर सकते। अमीर आदमी जो भी नियंत्रण है उस पर फोकस करते हैं, गरीब आदमी वो करते हैं जो उसके नियंत्रण में नहीं है उस पर फोकस करेंगे। अगर बरसात हो रही है तो गरीब आदमी बोलेंगे अरे बरसात हो रही है, बरसात हो रही है, छाता ले लो। अमीर आदमी छाता लेते हैं, रेनकोट लेते हैं। गरीब आदमी बोलेंगे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, छोड़ो आज नहीं करेंगे काम। अमीर आदमी नियंत्रण पे फोकस करते हैं, फोकस करते हैं जो आपके नियंत्रण पे है। बोलेंगे कांटा बिछा, कांटा लगा है, कांटा है पूरा शरीर, पूरे रास्ते पे कांटा है, कांटा है, कालीन बिछा दो, कालीन बिछा दो। गरीब आदमी कालीन बिछाने पे फोकस करेंगे। चप्पल पहनो भाई, चप्पल जो आपके नियंत्रण में है उस पर फोकस करना है, जो आपके नियंत्रण पे नहीं है उस पर फोकस नहीं करना है। जब बच्चा 7 महीने का होता है पेट पे, तो माँ बच्चे के लात को सह लेता है, 12 डेसिबल का दर्द को सह लेता है। क्यों क्यों सह लेता है? क्योंकि वो फोकस करता है आगे के नियंत्रण पे। मेरा बेटा पैदा होगा, मेरी बेटी पैदा होगी, उसके साथ मैं खेलूँगा, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, ये सपने पाल के वो 12 डेसिमल के दर्द को सह लेता है। प्रॉब्लम्स भी इसी तरह हैं। आपका जो प्रॉब्लम्स है उसके खिलाफ आपको वार छेड़ देना है। जो भी प्रॉब्लम्स है उसको लिखो। आपके पास कार नहीं है, आपके पास बंगलो नहीं है, आपके पास दौलत नहीं है, आपके पास शोहरत नहीं है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, सब लिखो। लिखने के बाद लिखते लिखते आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा यहाँ से ये प्रॉब्लम है। अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको बुखार लगी है, दवा आपको ही खानी होगी, आपके बदले आपका पत्नी नहीं खाएगी, आपका बच्चे नहीं खाएंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपको सॉल्व करनी, आपको अगर कामयाब होना है, आपको अगर सफल होना है, मेहनत भी आप ही को करनी होगी, आपके लिए कोई दूसरा मेहनत नहीं करेगा। वार करिए, वार अगेंस्ट योर प्रॉब्लम्स। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसके खिलाफ वार छेड़ दीजिए, उसको लिखिए, बार बार लिखिए, बार बार शॉर्ट आउट करिए, शॉर्ट एनालिसिस करिए। शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है? स्ट्रेंथ, एस फॉर स्ट्रेंथ, क्या आपका स्ट्रेंथ है उसको लिखिए। डब्ल्यू फॉर वीकनेस, क्या वीकनेस है वो लिखिए, सब वीकनेस को लिखिए। ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास वो लिखिए। टी फॉर थ्रेट, और क्या क्या थ्रेट आने वाली है रास्ते पे उसको लिखिए। तभी आपको सारी प्रॉब्लम की जड़ पता चल जाएगी और सफलता भी आपको मिलेगी। जय हिंद।